मार्केट में एक अच्छी रैली थी जो मैंने आपको कहा था कि 16,400 पे शायद एक अच्छा खासा एक रैली आ जाएगी अगर उसे क्रॉस कर जाएगा। बट वहीं से क्या है, 16,414 से ही पलट गया मार्केट। ठीक है चलो पलट गया, बट अभी क्या है ये भी अगर फिबोनाची का लेवल देखोगे, अगर 16,126 के नीचे अगर हमारी क्लोजिंग आती है तो एक नेक्स्ट सपोर्ट होगा वीकली चार्ट पे, कहाँ का 14,284 का, जो मतलब बिल्कुल एक नो बाइंग जोन रहेगा, मतलब कोई होल्डिंग्स आप नहीं रख सकते हो। ठीक है बट अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो एक ये डबल डब्लू पैटर्न बना था, इसका शायद ब्रेकआउट होना चाहिए था बट वो नहीं हुआ है। बट अगेन यहाँ पर अगर मैं फिबोनाची से हटा दूँ, ठीक है तो अभी हम कहाँ पर हैं, अगर मैं पिवट पॉइंट का अगर मैं यूज़ करूँ, यस पिवट पॉइंट का यूज़ कर रहे हैं, तो अभी हम क्या है, अभी हमारा 16,000 के ऊपर टिकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अब 16,000 16,500 जो भी मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि सपोर्ट वन ये था सपोर्ट टू था ये जो भी था, क्या है जैसे भी अगर अब 16,000 के, अब की बार अगर 16,000 के अब नीचे क्लोजिंग होती है 16,126 16,057 यहाँ पे जो दिखा रखे, मतलब टू मोटा मोटी 16,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो हम बहुत बुरे सिंक होंगे, बहुत बुरे गिरेंगे। ठीक है तो यहाँ पे क्या अभी मार्केट साइडवेज थोड़ा सा है बट एक डाउन ट्रेंड में अभी है। ठीक है तो यहाँ पे कोई अभी किसी तरह की होल्डिंग से बचना भी आपको चाहिए, बट हाँ ये है कि आप अपने शेयर्स जो हैं उन्हें नो पॉइंट आउट कर लो, यहाँ कौन से अब रखने हैं कौन से नहीं रखने, क्योंकि कभी भी मार्केट यहाँ से पलट सकता है। ठीक है और हाँ हमें वन आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने कहा है तीन तीन बार रिजेक्शन यहाँ से ले चुका है, तो ये हमारा हो जाएगा अब क्या सपोर्ट मतलब सॉरी रेजिस्टेंस जो है ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस 16,400। बट ये 16,400 को एक रेंज में रखना, ठीक है रेंज में मतलब मेरा कहने का है कि इसे लगभग 450 तक मानना। ठीक है ये इसको 16,500 तक इसको लेके चलना। ठीक है मैं अगर मुझे लगता है शायद इसे बड़ा कर देना चाहिए, यस ये कुछ ये रेंज रहेगी, आई थिंक ये बेटर नहीं है, तो हम दो हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है तो यहाँ पर हम दो हॉरिजॉन्टल यूज़ करेंगे, एक इसका और एक इसका, मतलब ये टोटल मिला के 16,500 के। अब नीचे का बेस क्या सपोर्ट क्या है ये वाला, अब ये जो सपोर्ट जो भी होगा देखो आप पता क्या है यहाँ पर ना ये जो सपोर्ट है ना ये टूट सकता है क्योंकि फोर्थ टाइम रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या है, अब अभी अगर किसी को वो लेना हो कि मतलब एक पोजिशनली बैठना है एक एक्सपायरी के लिए, तो इसे तो पहले हम कर देंगे न्यूट्रल। अभी क्या है एक चैनल का है ना, जब क्या कई बार कहते हैं ना सपोर्ट रेजिस्टेंस खेल लेना चाहिए, जब मार्केट साइडवेज होता है नीचे आया सपोर्ट लिया रेजिस्टेंस पे गया देन बैक आ गया देन रेजिस्टेंस पे गया देन यहाँ से बैक आ गया, अब ये क्या यहाँ से ये तोड़ के नीचे आ सकता है। ठीक है अगर आप शॉर्ट पोजीशन पे हो आप बने रह सकते हो, बट क्या है अभी रिस्क है, अभी मार्केट जब वॉलेटाइल होता है ना तब उसमें क्या होता है डेली कुछ भी, देखो इतना गैप अप कुछ भी हो सकता है अभी मार्केट। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट करने की राय नहीं दूंगा, अगर मैं यहाँ से फिबोनाची का लेवल ड्रॉ करूँ तो 16 देखो यहाँ पे भी 16,100 टूटेगा तो खतरा है। ठीक है तो अभी क्या है अब अभी यहाँ पे कोई पोजीशन ऐड नहीं हो सकती है, वन आवर टाइम फ्रेम पे भले ही हम ओवरबॉट हों बट अभी यहाँ पे कोई पोजीशन आप अपनी ऐड मत करना। ठीक है तो अभी हम क्या है अब की बार हम सपोर्ट के लिए जाएंगे सीधे 15,500 मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिना चार्ट देखे, क्योंकि साइकोलॉजिकल थोड़ा सा न्यूमेरिक साइकोलॉजी है। ठीक है तो ये रहा हमारा चार्ट इसका निफ्टी का। ठीक है अब यहाँ बैंक निफ्टी में अगर मैं आऊँ, बैंक निफ्टी देखो आज अच्छा खासा एक मतलब ब्रेकआउट टाइप था बट वही था कि रेजिस्टेंस के पास सपोर्ट नहीं कर पाया और वहीं से पलट गया मार्केट, तो सेम ट्रेड इसमें भी है और
सेम थिंग यहाँ पर भी है, अभी ये यहाँ पे ही आ सकता है। ठीक है, ये फेक आउट हो सकता है अगर आप ये यहाँ पे 33,068, 33 पूरा 33,000 का लेवल लेंगे हम। ठीक है, तो क्या 32,222 या फिर 32,000, ये कोई रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ पर। ये मतलब इसी 32,000 को हम एक रेजिस्टेंस बना देंगे। अगर यहाँ पे फिबोनाची का भी अगर मैं यूज़ कर लूँ, तो भी क्या है कि यहाँ पे एक 33,916, तो यहाँ से भी अभी क्या है 200 पॉइंट्स का गैप डाउन दिखा रहा है। मतलब गैप डाउन मतलब कि 200 पॉइंट्स शायद अभी हम और रिटेस्ट करने जाएंगे। ठीक है, और अगर आज आपको दिखला दूँ क्या मार्केट तेज़ी करने वाला था या नहीं था, तो वो क्या है कि नहीं था। अब मैं आपको एक चीज़ दिखलाता हूँ, ओह नो, शायद ये हैंग कर गया, वेट। हाँ, तो ये तो यहाँ पे ठीक हो गया। अगर आप एक चीज़ आज देखोगे, मार्केट जब रैली में था नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम की, तो ये देखो यहाँ पे देखो कैंडल में कितने कम विक्स थे, विक्स थी कम। इसमें एक छोटी सी विक्स थी ऊपर की तरफ, इसमें भी ऊपर भी। जब मार्केट साइडवेज यहाँ पे हो गया तब एक विक्स थी, देन डाउन, देन ऊपर जाते जाते एक हल्की हल्की विक्स रही थी। बट आज के मार्केट में क्या है, सुबह खुलते ही यहाँ पे देखो कैंडल के ऊपर ये जो नुकीली चीज़ होती है ना, मतलब वो नोक से बनते, उसे मैं विक्स बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो कितनी सारी विक्स थी। ठीक है, और यहाँ पे चलो चलेगा, यहाँ पे विक्स बनी, यहाँ पे विक्स बनी। जब इसने ये लेवल बनाया है ना, अगर आप पिवट पॉइंट पे भी जाओगे, मैं आपको पिवट पे दिखाता हूँ। ठीक है, पिवट पॉइंट भी देखो, इससे 34,797 का क्या था, एक रेजिस्ट मतलब क्या था, रेजिस्टेंस 2 था, रेजिस्टेंस लेवल 2 था। और यहाँ पे देखो पिवट पे आए, इसने एक अच्छा सा कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया, देन यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। बट यहाँ पे गया, जब आप देखो, जब दो तीन इंडिकेटर्स का ट्रेडिंग करने का फ़ायदा बस यही होता है, एक RSI का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है। जब से ने यहाँ का ये रेजिस्टेंस लिया ना, देन नीचे आया, बट जब ये दोबारा ऊपर गया ना, RSI कहाँ था, RSI यहाँ पे आया था, ये इस लेवल पे 60 पे था, और जबकि जो सेम लेवल पे गया था पिछली बार तब 74 पे था, यानी RSI वीक था। और यहीं से मार्केट ने क्या सेलिंग पकड़ी और लगभग 600 पॉइंट्स गवा दिए। ठीक है, और अभी हम मार्केट ने कहाँ क्लोजिंग दी है, डिट्टो पिवट लेवल पे। ठीक है, अभी हम पिवट लेवल टेस्ट नहीं किया, बट हम पिवट लेवल पे आके एक वो मिली हमें डाउन साइड। अगर आपको एक्सपायरी में ट्रेड करना है, पिवट लेवल का यूज़ ज़रूर 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 किया करो। ठीक है, 12:30 बजे के बाद जो भी है, जैसा ही मार्केट रहता है, ऑप्शन सस्ते होते हैं, आप उसका यूज़ करो, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।